नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। इस वक्त जो है अखिलेश यादव से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। दरअसल इन दिनों अखिलेश यादव की मुसीबतें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। अभी उन्हें बीते दिन पहले राज्यसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। फिर उससे कुछ समय पहले क्या हुआ था कि उनकी पार्टी के एक बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो उनका साथ छोड़ गए। उन्होंने विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का साथ थामा था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले ही वो अखिलेश यादव को छोड़कर अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिर सलीम शेरवानी जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महासचिव थे, उन्होंने भी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। फिर खबर ये भी आई कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल की राज्यसभा चुनाव से पहले फोन पर तीखी नोकझोंक हुई है और पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को एनडीए में शामिल होने की धमकी तक दे दी है। तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल जो है वो भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ सकती हैं। अभी छोड़ा नहीं है, आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि अखिलेश यादव को सीबीआई ने एक अवैध खनन मामले में समन भेजा है। दरअसल साल 2012 से 17 के समय जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सीएम हुआ करते थे, उस वक्त उनके पास खनन मंत्रालय भी हुआ करता था। और अब सीबीआई ने उन्हें एक नोटिस भेजा है और गवाह के तौर पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल मैं आपको पूरा मामला भी बता देता हूं। अखिलेश यादव को इस सिलसिले में 29 फरवरी को बतौर गवाह के तौर पर पूछताछ में शामिल होने को बुलाया गया है। दरअसल सीबीआई की ओर से अखिलेश यादव को जिस केस में यह समन भेजा गया है वो साल 2012 से 17 के बीच खनन मंत्रालय से जुड़ा है। उस वक्त यूपी के सीएम रहते हुए अखिलेश यादव के ही पास ये मंत्रालय था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने दर्ज किया था पूरा मामला जो है ये। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 जुलाई साल 2016 को आदेश दिया था, जिसके बाद सीबीआई की ओर से मामला दर्ज किया गया। डीएम हमीरपुर, जियोलॉजिस्ट और माइनिंग ऑफिसर, क्लर्क, लीज होल्डर और प्राइवेट और अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। 120B, 384, 420, 511, इन सब धाराओं में जो है ये मामला दर्ज हो चुका है इन लोगों के खिलाफ। फिर वहीं सीबीआई ने साल 2019 में 12 जगहों पर इस मामले को लेकर छापेमारी भी की थी। इस मामले की जांच में जुटी सीबीआई की ओर से 5 जनवरी 2019 को 12 जगह पर जब छापेमारी की गई थी, छापेमारी के दौरान सीबीआई को काफ़ी मात्रा में कैश और गोल्ड भी बरामद हुआ था। इस मामले में गवाह के तौर पर सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को तलब किया है। अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने उस उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की तत्कालीन डीएम के लखनऊ आवास पर भी छापेमारी की थी। तो ये जो था ये पूरा मामला था। अखिलेश यादव को जो है समन भेज दिया है सीबीआई ने। अखिलेश यादव पर भी कहीं ना कहीं सीबीआई शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो नोटिस भेजा गया है अखिलेश यादव को, ये एक गवाह के तौर पर भेजा गया, यानी उन्हें एक गवाह के तौर पर बुलाया गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, अखिलेश यादव के तरफ से बयान आया, यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयान आया है उसमें ये कहना है कि अखिलेश यादव को अभी तक इस किसी भी तरीके का नोटिस जो है वो नहीं मिला है। और ये बात जो है उनके प्रवक्ता फारूक हसन चांद ने कही है। सीबीआई की अखिलेश यादव को किसी भी प्रकार का नोटिस न मिलने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी हमेशा गरीबों और मजलूमों की आवाज़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस प्रकार का कोई नोटिस आता तो उसका उचित जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा, मीडिया के माध्यम से हमें इस प्रकार की जानकारी मिली है लेकिन अभी तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है। लेकिन इस पूरे मामले में अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश यादव जो हैं वो सीबीआई के सामने पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते, या फिर जिस तरीके से उनकी पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उसके अंदर कितनी सच्चाई है। आपकी क्या राय है एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज़ को भी फॉलो कर लो। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।